Hey, hello everyone, I welcome to ArcGNSS and first of all welcome for the new student. I am preparing for the 2023 examination. तो जो ये वीडियो है उसी को डील कर रही होगी. इसके अंदर हम लोग वीडियो बड़ी बनेगी, तो इसके लिए मैंने क्या क्या हुआ है कि आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन थ्री डिफरेंट सेगमेंट्स एंड आई विल आस्क माई टीम टू पुट द टाइम फ्रेम हेयर सो दैट कि इट एक्चुअली हेल्प यू टू सेव योर टाइम. जो पार्ट आपको देखना है उसको आप देखो, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट पार्ट. जो पहला पार्ट है, जो पहला सेगमेंट होने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आर्किटेक्चर. अभी आपको शायद जानकारी नहीं होगी या कुछ कन्फ्यूजन होंगे माइंड में रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर, लाइक कि एजुकेशन की जरूरत क्या है, इसके जॉब प्रोस्पेक्ट क्या हैं आर्किटेक्चर के. अगर आपने बीआर की डिग्री कर ली आफ्टर 5 ईयर्स तो आपके क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है, क्यों नहीं होती, उसके पीछे रीज़न क्या है, ये काफ़ी क्वेश्चन मुझे बार बार पूछा जाता है कि कौन से कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट अच्छी होती है. कैंपस प्लेसमेंट किसी भी कॉलेज में नहीं होती है, वी विल डिस्कस अबाउट इट. सैलरी एक्सपेक्टेशंस कितनी हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है या नहीं है. अगर हम बात करें ओवरऑल आर्किटेक्चर एज सच एज अ प्रोफेशन, क्या आपके लिए सही है या नहीं है, लाइक उसमें क्या प्रोज हैं क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो जो ये जो टॉपिक होने वाला है इट इज गोइंग टू बी इन द फर्स्ट पार्ट. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. टाइम फ्रेम दिया गया आपके सामने, उसको चाहो तो स्किप कर आप डायरेक्टली इस वाले पार्ट में जा सकते हैं अगर आपका टारगेट है इसको देखना. सेकंड सेगमेंट के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज और हमारे जो टाइम टेबल होना चाहिए, हमें किन चीज़ों को ध्यान रखना होगा, द सिलेबस एंड द पैटर्न फॉर दी नाटा जेई 2023 एग्जामिनेशन. ठीक है, तो अगर आप इसको ये आपको जानकारी है तो यू कैन डायरेक्टली स्किप टू दैट पार्ट. तीसरा है, थर्ड सेगमेंट इज हाउ टू यूज दिस ArcGNSS प्लेटफॉर्म. आप इस चैनल पर आए हुए हैं, अगर आप पहली बार आए हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप उसको सब्सक्राइब कर लें आप, क्योंकि हम अगले एक पूरे साल में काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को इसमें डेफिनेटली मिलेगा. तो इस प्लेटफॉर्म कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर दोनों ही वर्जन अवेलेबल हैं, फ्री वर्जन भी है, फ्री में बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं पेड कोर्स के लिए तो उसके बारे में हल्का सा मैं आपको एक ग्लिम्स दे दूंगा. ठीक है, सो दिस इज अ थिंग, सो लेट्स स्टार्ट. एंड आप अगर चाहें तो यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं या आप यूट्यूब पर देख ही रहे हैं, जितने भी लेक्चर के पीडीएफ्स होती है वो सब के सब इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाती है. और अगर आपको ArcGNSS ऐप डाउनलोड करनी है तो आप उसको स्कैन करेंगे या सर्च करेंगे ArcGNSS ऑन गूगल प्ले स्टोर, आपको मिल जाएगी. स्कैन कर लोगे ज़्यादा ईजी रहेगा. ठीक है, मैंने यहाँ पर क्यू आर कोड डाल भी दिया है. तो अगर हम पहली बार बात करें कि व्हाट डू मीन बाय द आर्किटेक्चर, देखो जो आर्किटेक्चर जो वर्ड है वो आर्किटेक्टोन वर्ड से मिलकर बना हुआ है. यहाँ पर ये चला गया ऊपर, सो इट इज आर्किटेक्टोन. आर्किटेक्टोन आर्की का मतलब होता है चीफ और टेक्टोन का मतलब होता है कारपेंटर या बिल्डर. सो चीफ बिल्डर को हम लोग बोल सकते हैं. आर्किटेक्टोन सब फिर धीमे धीमे चेंज होता हो चला गया आर्किटेक्ट. तो एक आर्किटेक्ट कौन होता है, जो आर्किटेक्चर प्रोफेशन को प्रैक्टिस करता है. ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आर्किटेक्ट्स हैं इसके बारे में बताया गया क्या है. जैसे वॉल्टर ग्रुपियस सेड की आर्किटेक्चर बिगिंस विद इंजीनियरिंग एक्ट्स, ऑस्कर नेवर ने बोला आर्किटेक्चर इज इन्वेंशन. ये सब नाम पता होना चाहिए आपको, ज़ाहा दे ले कॉर्बूज़िए, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी जरूरी है अगर आप नाटा जेई के बारे में तैयारी कर रहे हैं. ठीक है, अगर हम बात करें कि आर्किटेक्चर एज सच इट इज़ नॉट अ रिसेंट फिनोमिना, ऐसा नहीं है कि अभी जैसे लोग बोलते हैं कि नया फील्ड है, नहीं है, ऐसा नया फील्ड नहीं है. एक्चुअली मुझे लगता है सबसे पुराना फील्ड यही है आर्किटेक्चर. ठीक है, तो प्री हिस्टोरिकल टाइम की हम बात करें, जब एक स्टोन एज में हम थे, या फिर मेंशन के बारे में बात करें, और मेडाइवल टाइम पीरियड, मॉडर्न, जैसे एंशियन टाइम, अगर प्री हिस्टोरिक टाइम बात करें तो वहाँ पर केव्स होती थी, शेल्टर्स देखने को मिलते थे. राइट, हियर कैन सी द फर्स्ट स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रिमिटिव शेल्टर्स फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द मदर नेचर. उसके बाद हम लोग आते हैं एंशियन टाइम के अंदर, तो हम लोगों ने देखा ग्रेव साइट्स देखने को मिले हैं, पिरामिड्स देखने को मिले हैं, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वहाँ पर भी तो आर्किटेक्चर रहा होगा ना, डेफिनेटली उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. फिर हम मेडाइवल टाइम के बारे में बात करें तो वहाँ पर फोर्ट्स देखते हैं, मोन्यूमेंट्स देखते हैं, स्कल्पचर्स देखते हैं, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव बात करें. बाकी अगर हम लोग यूरोप के बारे में बात करें या फिर अलग कंट्रीज के एज अ वर्ल्ड के बारे में बात करें, सो यहाँ पर आप ग्रीक, रोमन, गोथिक, रोमन्स क्यों, ये सब आपको डिफरेंट टाइम फ्रेम देखने को मिलेंगे. अगर हम लेटेस्ट बात करें मॉडर्न फिनोमेना, इट इज़ लाइक द आज के टाइम के अंदर आपके जो घर बनाए जाते हैं वो एक आर्किटेक्ट काम होता है. एक पार्लियामेंट विस्ता जो बनाया गया है, जो रिसेंटली इनोग्रेट हुआ है, तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, तो इट इज़ वर्क ऑफ द आर्किटेक्ट. ऐसे ही है ऐसे आई थिंक ये है स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, ऐसे ही नालंदा यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं. आप दिन ब दिन आप देखते हैं कुछ ना कुछ बन रहा है. सो ये जो काम है आर्किटेक्ट काम होता है. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख लेना कि आर्किटेक्चर इज द आर्ट एंड द साइंस. तो दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन फॉर द आर्किटेक्ट. लाइक क्योंकि आर्किटेक्चर देखो, अगर दो तरह के फील्ड होते हैं, एक होता है आर्ट फील्ड होते हैं, जैसे आपके एक ह्यूमैनिटिक सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हिस्ट्री, कॉमर्स एंड ऑल दिस थिंग. एक हो सकते हैं साइंटिफिक सब्जेक्ट हो सकते हैं, जहाँ पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं.
लेकिन इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है ना कि जो साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपका मैथमेटिक वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इनोवेशन उसमें कम होती है, क्रिएटिविटी कम होती है। बाकी जो आर्टिस्ट वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग, लाइक इसमें आपकी इनोवेशन ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में कहीं ना कहीं वैसे देखने को मिलता है कि आर्किटेक्चर एक ऐसा फील्ड है जो दोनों ही अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो आर्किटेक्चर इज द आर्ट, आर्ट है कि कौन से एक रूम डिजाइन कर रहे हो, उस रूम के अंदर कौन सा मटेरियल होने वाला है, कौन सा कलर होने वाला है, उसका साइज क्या होने वाला है, इट इज ऑल रिलेटेड टू द आर्ट। लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा बनने वाला है, उसके पीछे उसका फंक्शन क्या होने वाला है, इट इज अबाउट द साइंस। तो आर्किटेक्चर इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ डिजाइनिंग एंड इंजीनियरिंग लार्ज स्ट्रक्चर एंड द बिल्डिंग। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और मैं थोड़ा जल्दी कोशिश कर रहा हूँ वीडियो करने की। तो ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि वाई देर इज अ नीड ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन ट्रेनिंग, देखो बिकॉज जो शेल्टर है ना, इट इज अ वेरी बेसिक ह्यूमन नीड, हमारे लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी नेसेसिटी है एक शेल्टर होना। तो उसके लिए एक आर्किटेक्चर का होना बहुत जरूरी है। सो इट अफर्म्स द नीड, बिलीव एंड एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी, पीपल कॉल्ड इट एज अ यूटिलिटेरियन एंड एक्सप्रेसिव आर्ट। ठीक है, यूटिलिटेरियन का मतलब होता है एक ऐसा काम, एज यूटिलिटी क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास मोबाइल फोन है, उसकी यूटिलिटी क्या है, तो उसके हिसाब से देखते हैं। ठीक है, सो हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर के हम लोग यही चीज देखते हैं कि इन एंशियंट टाइम पीरियड जो रिलीजियस साइट हुआ करती थी बहुत अच्छी बनाई जाती थी, लेकिन अब धीमे धीमे जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती जा रही है, सो और आप देखते हैं ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द रैपिड अर्बनाइजेशन, तो यहाँ पर आर्किटेक्चर का रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब वैसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्किटेक्चर डिग्री नहीं है, या उनको लगता है कि ऑटो कैड हमें आता है तो वी कैन डिज़ाइन, ऐसा गलत है। आर्किटेक्चर के लिए 5 साल की डिग्री होना बहुत जरूरी है, और उसमें 5 साल के अंदर सिर्फ ये एक सिलेबस ही नहीं किया जाता है, आपका जो ग्रूमिंग की जाती है, आपका जो माइंड सेट डेवलप किया जाता है वो उतना ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि जॉब पोटेंशियल क्या है, अगर आपने डिग्री कर ली है उसके बाद आप क्या कर उम्मीद कर सकते हैं, सो इट इज़ वेरी सिंपल, लाइक कि एक आप किसी आर्टिस्ट फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर नॉर्मली 90% लोग यही करते हैं, दे कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन एंड आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन सो दे अप्लाई इन अ प्राइवेट फर्म, तो वहाँ पर लोग काम करते हैं, वहाँ पर अपना कुछ एक्सपीरियंस गेन करते हैं 2-3-4-5 सालों का, एंड मीनवाइल दे स्टार्ट डेवलपिंग देयर कॉन्टैक्ट्स, और उसके बाद अपना इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म टारगेट यही होता है कि खुद का अपना ऑफिस खोला जाए, है ना, खुद की फर्म खोली जाए। बट एक आर्किटेक्चर फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं स्टार्टिंग में, हम बात करें, या दूसरे हो सकते हैं कि वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे बहुत सारी सरकारी संस्थाएं हैं, संस्थाएं बोलेंगे, इंस्टीट्यूशन बोलेंगे हम लोग, जैसे PWD है, इनके बारे में अलग से टॉपिक है, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो लाइक यू कैन सर्व एज अ वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, हाउसिंग बोर्ड, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, तो इन वहाँ पर भी गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब होती है, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक ओपन कॉम्पिटिशन होगा, उसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप वहाँ पर भी एज अ गवर्नमेंट सर्विस काम कर सकते हैं। अकेडमिक इंस्टीट्यूशन एज अ फैकल्टी आप पढ़ा सकते हैं किसी कॉलेज में जाके, प्रोवाइडेड की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, क्योंकि नॉर्मली वो MArk लेकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर भी एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होता है। अगर आपका मन इंटरेस्ट या मन आपका टीचिंग में है तो आप वो डेफिनेटली इसमें भी सोच सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो आप अपने खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे यही लॉन्ग टर्म टारगेट सबको यही होता है। अगर आप मास्टर्स करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, BR के बाद आप MArk कर सकते हैं, तो जो भी आपका इंटरेस्ट रहेगा उस फील्ड में कर सकते हैं, इंडिया से कर सकते हैं, इंडिया के बाहर भी कर सकते हैं, और एस्टेट वैल्यूअर्स हैं या फिर इंटीरियर डिजाइनर काम भी कर सकते हैं। व्हाट आई फील कि आर्किटेक्चर इज अ मदर ब्रांच, और उसके साथ साथ बहुत सारे ब्रांचेस निकल जाती हैं, तो जो भी आपको लगे वहाँ से भी आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। लाइक आपको लगता है इंटीरियर डिजाइनिंग में जाना है तो आर्किटेक्चर करने के बाद वहाँ से भी जा सकते हैं, UD में जा सकते हैं, लैंडस्केप आर्किटेक्ट काम भी आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काम कर सकते हैं, आजकल ये बहुत लेटेस्ट ट्रेंड में भी है, मल्टीमीडिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड ITs में भी काम होते हैं। ठीक है, तो मल्टीमीडिया कंप्यूटर में क्या होता है, जैसा आप एक सिंपल गेम खेलते हैं तो गेम के अंदर भी जो डिजाइनर चाहिए होते हैं ना, उनको थोड़ा ना पता है कि साइज क्या होगा रूम का, तो ये सब चीज़ें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहाँ पर ये काम आप कर सकते हैं। ये रिपीट हो गया। अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर जॉब के बारे में, सो देर आर वेरी ऑल्सो वेरी जॉब देर आर ऑल्सो जॉब अवेलेबल इन पब्लिक सेक्टर विच विल इंक्लूड डिपार्टमेंट सच एज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, PWD, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी होती है कि कहाँ पर कौन सी वैकेंसीज निकल रही हैं, और जो सी वैकेंसीज निकल रही हैं वहाँ पर आपको अप्लाई करना होता है। ऑफकोर्स आर्किटेक्चर में इतनी तो वैकेंसीज नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आपको 400-500 वैकेंसीज एक साथ निकल जाएंगी, हार्डली 4-5, 2-3 इतना ही रहता है, लेकिन हाँ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जो मेरा एक एक्सपीरियंस ये बोलता है कि अगर आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, अगर आपको ये क्लियर है कि मुझे करना ही गवर्नमेंट सेक्टर में है काम,
तो आई विल सजेस्ट कि आप प्लानिंग में सोच सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग की जो पोस्ट होती है, वैकेंसीज होती हैं, वो थोड़ी ज़्यादा होती हैं बीआर के कंपैरिजन में। तो बी प्लान और बीआर में ये डिफरेंस है थोड़ा सा, कि एक बेनिफिट होता है बी प्लान वालों के पास कि उनके पास वैकेंसी ज़्यादा होती हैं फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया है। फिर हम बात करते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट क्या है, कि कैंपस प्लेसमेंट होती है या नहीं होती है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना पड़ेगा कि आप आर्किटेक्चर को इंजीनियरिंग का एक पार्ट में समझो। डोंट थिंक कि आर्किटेक्चर इज जस्ट लाइक एन स्ट्रीम ऑफ द इंजीनियरिंग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है, इंजीनियरिंग बिल्कुल अलग है। अगर मैं आपको हल्का सा आइडिया देना चाहता हूँ, तो आप ऐसा मानकर चलो कि आर्किटेक्चर को आप कंपेयर कर सकते हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर की तरह से, जैसे डॉक्टर होते हैं, तो उनका एक लाइफ स्टाइल देखो। क्या वहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट होती है लाइक जो मेडिकल कॉलेजेस में? शायद होती होगी, लेकिन कोई लेता नहीं होगा, है ना, तो बहुत कम होती है। दूसरे में बात करें कि नॉर्मल फोकस क्या रहता है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उसके रेपुटेशन के लिए जाते हैं ना, उसके एक्सपर्टीज के लिए जाते हैं, उसके आप नंबर काउंट नहीं करते हैं। आप इस बारे में पूछते हैं कि आप मुझे बताओ कि कितने परसेंट आपकी ग्रेजुएशन में रहे होंगे, आपका एक रेपुटेशन चलती है। सेम थिंग आर्किटेक्चर में भी चलती है, यहाँ पर आपके नंबर मैटर नहीं करते हैं, कि आपके 75% है, 80% है, आपके डिग्री कितने परसेंट से हुई है, हार्डली मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे जानते होंगे तो आपको सिर्फ ये पता है कि मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट हूँ, मेरे परसेंटेज नंबर कितने थे आपको फर्क भी नहीं पड़ता है ना। तो ऐसे ही आपको ये सब चीज़ें आगे भी देखने को मिलेगी, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा इन चीज़ों का कि आपके परसेंटेज कितनी रहती है। तो कैंपस प्लेसमेंट ऐसा जिसमें नहीं होती है, याद रखना है। अगर होती भी हैं एक दो वैकेंसीज हैं, तो वो ज़्यादा फेवरेबल नहीं होती है। राइट, तो इसके पीछे रीज़न क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि आर्किटेक्चर में ज़्यादा बड़े फर्म नहीं होती हैं, इट इज़ नॉट लाइक कि 100, 200, 400 एमएनसी की तरह काम कर रहे हैं। हाँ, आजकल एक दो एमएनसीज हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं, पर उनको हम लोग एज एक्सेप्शन लेकर चलते हैं, ऐसा रेगुलर के लिए हम बात नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी आर्किटेक्चर की फर्म्स होती हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होती हैं, 5, 10, 12, 15 आर्किटेक्ट्स होते हैं नॉर्मली। तो वहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट वहाँ पर की जाती है जहाँ पर बल्क में क्राउड उठाना होता है, जहाँ पर 50 लोग चाहिए, तो चाहिए अपने को 10-12, तो वहाँ पर ये 2, 10-12 तो मैक्सिमम है। इट लाइक एक दो वैकेंसी चाहिए होती हैं, तो वहाँ पर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। नॉर्मली आर्ट रिलेटेड जो प्रोफेशन होते हैं, वहाँ पर भी आपको कैंपस प्लेसमेंट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? कैंपस प्लेसमेंट में रिक्वायरमेंट होती है कि आपको ये काम करना है, तो वहाँ पर क्या होता है, उनके CV चेक किए जाते हैं और उनसे एक्सपर्ट किया जाता है, ट्रेनिंग की जाती है। बट आर्किटेक्चर के अंदर हर एक आदमी बहुत इंडिविजुअल होता है, उसकी सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, तो वहाँ पर भी ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। देर आर मैनी ऑप्शंस, ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने डिग्री कर ली है BR की, उसके बाद आपको BR कैसे प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे जैसे हमने बात की है, तो यू आर हैविंग मैनी ऑप्शंस, तो ये भी होता है। और दूसरा, फिर जॉब कैसे लगेगी, इट्स बेस्ड ऑन द पोर्टफोलियो। आप 5 साल कितना काम करते हैं, कैसा काम करते हैं, उसको आप समझाने के लिए, जैसे मैंने आपसे बात की, यहाँ पर आपके मार्क्स मैटर नहीं करेंगे कि आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पर, बस आपको, लेकिन आप सोच के देखो आप कैसे जॉब लोगे। तो उसमें क्या होता है कि आपने जो पिछले 5 साल जो भी आपने काम किया है अपने कॉलेज में, उसका एक वर्क सैंपल को तैयार करते हो कि सर मेरा काम ऐसा है, मैं इस तरह सोचती हूँ कि मेरा किस लेवल का काम है। फिर आप डायरेक्टली किसी आर्किटेक्ट के पास डायरेक्टली उसे आप कोऑर्डिनेट करते हैं, उनको अपना इंटरव्यू देते हैं। अब इंटरव्यू अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन अब नॉर्मली यही होता है कि आप उनके पास जाते हैं, वो आपको पोर्टफोलियो देखते हैं, उनको अच्छा लगता है, दे विल कॉल यू, फिर डायरेक्टली इंटरेक्शन होता है। अगर उनको लगता है कि सब कुछ सही है, आप उनकी फर्म के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, सो दे विल ऑफर यू द जॉब। ये तरीका होता है। तो सिंपल से याद रखो, कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती है, क्लियरली पता होना जरूरी है। आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग बहुत अलग अलग चीजें हैं। अगर एक हल्का सा और एग्जांपल देना चाहूँ मैं आपको, आप ये समझो कि लेट से कि आपको एक घर बनाना है, तो आर्किटेक्ट का काम क्या होगा, डिजाइनिंग करने का होगा, रूम का साइज क्या होने वाला है, विंडो का साइज क्या होने वाला है, कौन सा मटेरियल यूज करने वाले हो आप, देखने में कैसा होगा, है ना, कौन सा कलर यूज करने वाले हैं, इट इज ऑल रिलेटेड टू द डिजाइनिंग। ये काम आर्किटेक्ट का होगा, लेकिन अगर वो बनेगा कैसा साइट पर जाकर, ये काम सिविल का होगा, आप ऐसा समझो। ठीक है, तो दोनों ही अलग फील्ड है, इसमें कभी भी कंपेयर मत करना। फिर हम बात करते हैं, चलो ठीक है सर, फिर सैलरी एक्सपेक्टेशंस कितनी होती हैं। देखो, आप अगले साल एग्जाम देंगे, 23 से लेकर 28 में पास आउट होंगे, तो अब तो पता नहीं है 5 साल बाद क्या होगा, लेकिन अगर हम ये मान के चलते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हो चुके होते तो आज के टाइम के अंदर आपकी कितनी एक्सपेक्टेशन थी, तो आप 25,000 to 30,000 सोच सकते हैं, ±10,000, मतलब आपके 20,000 से लेकर 35-40,000 तक का आपका एक फ्रेम बनता है। इस फ्रेम के अंदर आप उम्मीद कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्सेप्शन, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं उनको 5,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो शायद 70-80 हज़ार की नौकरी भी ले सकते हैं, बट इट इज ऑल अबाउट द एवरेजिंग। मैं जो नॉर्मल बात करूँ तो 25 या 30 के आसपास, प्लस माइनस 10,000 आप सोच सकते हैं। सो
इट इज अबाउट 4 to 5 years, और उसके बाद आप बोलेंगे सर ठीक है अब तो चलो मैं 30,000 कमा रहा हूँ, क्यों आपका एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो उसके बाद क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जाके 60 to 80,000 रुपीज़, डिपेंडिंग कि आपने कितने, आपको अच्छी तरह से आता है नहीं आता है, आप कितना सीख पाए हैं, ठीक है? तो ये आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं। अब क्वेश्चन यही आता है कि सर इसको ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए मुझे, तो देखो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कोई प्रोफेशन अच्छा बुरा नहीं होता है, हर एक प्रोफेशन के अंदर आपको लोग गाली देने वाले मिल जाएंगे उस प्रोफेशन के बारे में, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सेलिब्रेट करने वाले मिल जाएंगे, ठीक है? तो कोई भी अगर आपसे बोल रहा है कि नहीं बेकार फील्ड है तो उसको जानकारी नहीं है, ये बोल रहा है अच्छा फील्ड है बिना सोच समझे उसको ज्वाइन कर लो, ये भी गलत तरीका है, ठीक है? सो आर्किटेक्चर इज अ लॉट ऑफ फन, बहुत कुछ है सीखने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा सोचने की क्षमता बढ़ाने की हेल्प करता है। सो आर्किटेक्चर गिव्स यू द लिबर्टी टू यूज द राइट साइड ऑफ योर ब्रेन। राइट साइड का मतलब क्या होता है? हमारा जो ब्रेन है दो पार्ट में, लेफ्ट वाला और राइट वाला। जो लेफ्ट जो ब्रेन होता है वो स्टैटिकली काम करता है, ठीक है, और जो राइट वाला होता है वो इनोवेशन में काम कर सकता है, सोच सकता है नया। तो आपको लिबर्टी देता है क्रिएटिव सोचने के लिए, ठीक है? आर्किटेक्चर में सब चीज देखने को मिलेंगी, ठीक है? आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो आपका जो इनोवेशन है, आप दिखा सकते हैं। साथ साथ आर्किटेक्चर के आप इसके साथ बहुत सारे प्रोफेशन और भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जैसे ह्यूमन एंडेवर इंक्लूडिंग हिस्ट्री, मटेरियल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, कि वहाँ की कंडीशन क्या है, क्या आपको लगता है कि जो अगर सेम साइज का प्लॉट है और सेम साइज का जो एरिया है, क्या आप वैसे गाँव में बनाने वाले हैं और एक आप दिल्ली में बनाने वाले हैं, तो दोनों का आर्किटेक्चर सेम होने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा, दोनों के अंदर बहुत कुछ चीज़ें और मैटर कर जाती हैं। क्या सेम साइज का जो एरिया है और क्या आप उसको अमेरिका में डिजाइन कर रहे हैं, इंडिया में डिजाइन कर रहे हैं, सेम होगा? नहीं होगा। सो आप नॉलेज आपके पास सेम है, साइज भी बिल्कुल सेम ही है, तो फिर क्या डिफरेंस डालता है? ये डिफरेंस डालता है कि वहाँ का क्लाइमेट क्या है, वहाँ कंडीशंस क्या है, वहाँ गवर्नमेंट के बायलॉज क्या हैं। तो यहाँ पर आप आर्किटेक्चर अकेले को ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसके साथ और भी सब्जेक्ट पढ़ने को मौका मिल जाता है। अगर आपका डाइवर्स नॉलेज लेने का मन है तो ये फील्ड आपके लिए डेफिनेटली अच्छा है, ठीक है? अगर हम और बात करें तो इसके अंदर आपको चैलेंजिंग भी होता है, इंजॉयबल भी होता है, आप डिपेंड करता है आप चैलेंज लेना पसंद करते हैं नहीं लेना पसंद करते हैं, ठीक है? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं एक नौकरी चाहती हूँ या चाहता हूँ जिसके अंदर मैं एक नॉर्मल बैलेंस लाइफ हो, मैं सुबह जाऊँ शाम को आ जाऊँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन है, अच्छा लगता है कॉम्पिटिशन में रहना, तो इसके लिए आप बिल्कुल आर्किटेक्चर बने हुए हैं, ठीक है? सो अगर लाइक 9 to 5 की जॉब नहीं होती, इसमें लिखा हुआ है, बट इट इज नॉट, इज लॉट मोर देन, ठीक है? अगर आपको ट्रैवलिंग अच्छी लगती है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, कंस्ट्रक्ट साइट पर जाकर देखना अच्छा लगता है, वहाँ पर काम कराना अच्छा लगता है, अगर आपको एक रूम में बैठ कर कोडिंग करनी है या फिर एक रूम में बैठ कर क्लर्किकल काम नहीं करना है, तो आर्किटेक्चर डेफिनेटली आपके लिए इंटरेस्टिंग है, आप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि नो ही 9 to 5 की जॉब होगी, ये बिल्कुल भी नहीं होता आर्किटेक्चर में, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है, आर्किटेक्चर में ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है? लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा होता है तो फिर बात ही खत्म हो गई थी, फिर तो आप कहते हैं सर आर्किटेक्चर ज्वाइन ही कर लेना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि 5 साल की डिग्री है ये, और ज़्यादा कॉलेजेस नहीं है इंडिया के अंदर गवर्नमेंट फंडेड, तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं मान के चलो 2-2.5 लाख की फीस आती है, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे इट इज कमिंग रफली अराउंड 12 to 15,000, 12 to 15 लाख रुपीज़, तो 12 से 15 लाख फिर आप लोन ले सकते हैं उस चीज़ के लिए, फिर आपका खुद का मेंटेनेंस भी होगा। तो 20 लाख रुपये खर्च करने के बाद, 5 साल लगाने के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है जॉब की? 25-30। और मैं आपको जो बता रहा हूँ मैं बिल्कुल एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है? इसके अंदर मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं है बींग एन आर्किटेक्ट, लेकिन फिर भी मैं आपको जो चीज़ रियलिटी है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप 5 साल लगाने के बाद आप 20 लाख खर्च करते हैं, उसके बाद आपकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन 30,000 रुपीज़ है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ सोच सकते हो। हाँ अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए वो फ़ायदा मिल जाता है, ठीक है? तो ये आती है। दूसरा ये चीज़ है कि जो इंडिया का जो वर्क कल्चर है वो इतना अच्छा नहीं है। जैसे मैंने आपसे बात की कि 9 to 5 की जॉब नहीं होती है नॉर्मली, जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है, हमारे जो ऑफिस आर्क जेनेसिस का, हम लोग फिक्स रखते हैं 5 बजे का, मतलब 5 बजे, और हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं बहुत खुश रहते हैं इस चीज़ के लिए, हम लोग कभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन जितने भी मेरे ऑफिस, जितने भी मेरे कलीग्स हैं, उनसे बात करता हूँ तो हार्डली ऐसा होता है कि वो कभी 7 बजे से पहले फ्री हो जाएँ। तो 2-3 घंटे आप मांग के चल सकते हो आप, कि सुबह के टाइम को 9 बजे 10 बजे जाना होता है और रात को करीब 8-9 बजे तक ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं 10-11 घंटे का उनका वर्क कल्चर रहता है, जो मुझे दिल्ली में देखने को मिला है ये सब चीज़ें। इवन जो अहमदाबाद के अंदर काफ़ी लोग मेरे हैं जानकार, उनके साथ भी ये सब चीज़ देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। सो ऐसा लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर फर्म्स आर ब्लेस्ड विद द ओल्ड ब्रिटिश एरा एटीट्यूड ऑफ द मीडियोक्रेसी, सो दे अज्यूम यू डोंट हैव एन पर्सनल लाइफ, इफ दे डू रियलाइज इट दे विल मेक श्योर यू हैव नन, ठीक है? तो थोड़ा सा देखने को मिलता है। आई होप
अगर कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता दीजिए, आई विल मेक अनदर वीडियो और वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नाउ कम टू द पार्ट टू विच इज द गेटिंग इन टू द कॉलेज। अब आपको क्लियर हो गया है कि आर्किटेक्चर में क्या क्या चीज़ें आते हैं। आपका है कि नहीं सर मुझे आर्किटेक्चर ही करना है, मुझे इंटरेस्ट है इस फील्ड में जाने के लिए, तो अब आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए होगा, है ना, तभी तो आप करेंगे। सो देर आर मेजरली टू एग्जाम्स, एक JEE 2 का है, एक है नाटा का, जहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं एक अच्छे कॉलेज में। दोनों के बारे में डिफरेंस देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या चीज़ें हैं। देखो अगर हम बात करें सिलेबस के बारे में, कुछ पार्ट कॉमन है, कुछ पार्ट सिर्फ JEE के लिए है, कुछ पार्ट आपका और नाटा के लिए है। जो कॉमन है दोनों के अंदर वो है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड, आपको पढ़ना ही पढ़ना है दोनों एग्जाम कोई भी दे रहे हैं, और एक है आपके पास JEE के, तो JEE भी आपको आने ही चाहिए। JEE दो तरह की हो सकती है, एक हो सकती है कि नॉर्मल JEE, कुछ भी हो सकता है कि जिस हिसाब से रैंडमली पूछा जाए, एक हो सकती है आर्किटेक्चर JEE, जो आर्किटेक्चर रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है, आर्किटेक्ट के बारे में सब पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो ये दोनों जो सिलेबस है, जो बीच में व्हाइट वाला पार्ट है, इट इज कॉमन टू बोथ द एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें JEE वाला पार्ट, लाइक अगर हम बात करें दिस इज पेपर JEE 2, और जो ये जो पार्ट है ये नाटक का है, तो JEE 2 के अंदर आपको 11th और 12th की मैथमेटिक्स पूछी जाती है। उसका पैटर्न डिस्कस करूंगा मैं आपसे, लेकिन रफली चीज समझ लो, तो आपको मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा JEE 2 के लिए, और ड्राइंग वाला पार्ट इसमें आता है JEE 2 के अंदर, ड्राइंग एक्स्ट्रा है, ठीक है। अगर हम नाटा में बात करें तो नाटा के अंदर ड्राइंग बिल्कुल भी नहीं है, पहले हुआ करती थी 3 साल पहले, लेकिन अभी नहीं है। इंग्लिश के अंदर आई थिंक 30 क्वेश्चन केम डायरेक्टली फ्रॉम द इंग्लिश, लाइक पैसेज दिए जाते हैं आपको, एक पैराग्राफ होगा, उसको 4-5 क्वेश्चन होते हैं, उनके ऊपर जवाब देना होगा, ठीक है। तो इंग्लिश आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पार्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डिफरेंस है मैथमेटिक्स +2 और नाटक के अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जो JEE के अंदर तो जो आर आता है इट वॉज +1 +2 का था मैथमेटिक्स डायरेक्टली, NCERT पढ़ते हो 11th 12th की, लेकिन जो यहाँ पर नाटक का है उसके अंदर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है, वो एक बहुत ही लाइक 9th 10th लेवल का स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स आता है, कि एक चार आदमी तीन एक काम को 3 दिन में करते हैं, तो 6 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, एक गाड़ी कितनी स्पीड जाती है। सो इट इज़ अबाउट द बैंकिंग, नॉर्मली एग्जाम्स आते पूछे जाते हैं बैंकिंग में, या जो गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं SSC वगैरह में, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक आते हैं, हाँ प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन क्वेश्चन ईजी होते हैं, ठीक है। फिर आता थ्योरी डिज़ाइन, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है नाटक प्रिपरेशन के लिए, बात करेंगे। फिर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम डायरेक्टली जंप करते हैं JEE के ऊपर, अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है ये भी आप समझ लीजिए, कि देखो दोनों ही एग्जाम से आप BR की डिग्री कर सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि BR के लिए दो ही एग्जाम बने हुए हैं मेजरली। JEE 2 का जो है कैन गेट यू इनटू द CC NIT, जो NITs हैं, IITs हैं, NIT आई थिंक 7-8 NITs है जहाँ पर आर्किटेक्चर है, लाइक त्रिची, कैलिकेट, भोपाल, नागपुर, रायपुर, पटना, हमीरपुर, अब जयपुर भी ऐड हो गया है, तो यहाँ पर आपको ये सब कॉलेज एडमिशन ले सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, गुड नेशनल लेवल के कॉलेजेस हैं, आपको यहाँ पर JEE के थ्रू मिल जाएंगे, पर सीट कम होती हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम पड़ जाती है यहाँ पर। नाटा के अंदर क्या है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर इज अ नेशनल लेवल अंडर ग्रेजुएट एग्जाम विच इज कंडक्टेड बाय द CoE, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, फॉर द एडमिशन ऑफ द 5-year प्रोग्राम। मतलब सिंपल है कि CoE एक एग्जाम कंडक्ट कराता है ऑल इंडिया लेवल, और बस एग्जाम कंडक्ट कराता है, उसके बाद वो स्टेट को बोल देता है कि आपको अपनी जो काउंसलिंग करानी है, यू कैन डू द काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर नाटा स्कोर, ठीक है। नाटा कैन गेट इन टू वेरियस स्टेट लेवल कॉलेजेस, तो अगर आपको किसी स्टेट पर्टिकुलर में जाना है तो, और प्राइवेट कॉलेज में जाना है, तो नाटा आपके लिए परफेक्ट है। सो नाटा इज एग्जाम ऑफ द मेनली कॉलेज अंडर आर्किटेक्चर एसोसिएशन विच आर मेनली प्राइवेट एंड कॉलेज अंडर ट्रस्ट। आई होप क्लियर हो गया इन चीज़ों के बारे में। नाउ कम टू द JEE का पैटर्न, देखो JEE का बहुत सिंपल पैटर्न है, 400 नंबर का पेपर आएगा आपके सामने, 100 नंबर का आएगा मैथमेटिक्स, 100 नंबर का आएगा ड्राइंग, और 200 नंबर का आएगा आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड। सिंपल सा पॉइंट ये है, तो आपको मैथमेटिक्स जो है इसलिए जरूरी है, 1/4 पार्ट 25% जो नंबर आने वाले हैं आपके, वो आपके +1 +2 की मैथमेटिक्स आएंगे, ठीक है। ड्राइंग इसमें है 100 नंबर की, और 200 नंबर का आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड है। अगर हम बात करें मैथमेटिक्स को लेकर चलते हैं, तो मैथमेटिक्स के लिए आपको पूरा साल प्रैक्टिस करनी होगी। कभी ऐसा नहीं है कि मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दे दूं, 2-4 नोट्स प्रोवाइड कर दूं, उससे कुछ हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। JEE 2 के लिए जो मैथमेटिक्स है नीड ईयर लॉन्ग प्रैक्टिस। टोटल 29 टॉपिक्स हैं +1 +2 को, कुछ को टॉपिक ऐसे हैं जो मिक्स किए जा सकते हैं, बट 29 टॉपिक्स हैं NCERTs में, ठीक है। और NCERT जो होनी चाहिए मेरे हिसाब से, इट शुड बी योर प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी। जितना आप पढ़ेंगे NCERT कवर करेंगे, लाइक मुझे ऐसा लगता है आज के टाइम के अंदर इतने सारे ऑथर्स आ चुके हैं, वो कुछ भी बना रहे हैं, और बच्चे भी मोटी मोटी बुक लेकर आ रहे हैं, पर उनको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। अगर आपके NCERT स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई बुक को आराम से कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के बारे में बात करें, कोई भी कॉम्पिटिशन के बारे में आप सोच रहे हैं, तो वॉट आई
कंसिडर कि आपके लिए परफेक्ट यही है कि एनसीईआरटी पर फोकस करें, ज़्यादा फायदा रहेगा। फिर भी ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं अगर आप चाहते हैं कि कुछ टॉपिक को आपको ध्यान रखना है जहाँ पर जेई पेपर टू के अंदर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इन टॉपिक से ज़्यादा आते हैं। सो इट इज इंटरलेशन फंक्शन, वेक्टर्स, कॉनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन एंड कोऑर्डिनेटर ज्योमेट्री। ये 7-8 टॉपिक्स हैं जहाँ से मेजरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन पार्ट को आप डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग करने की सोचें। कुछ पार्ट ऐसे हैं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो जेई के अंदर इग्नोर किए जाते हैं, जैसे रीजनिंग है, मैथमेटिकल इंडक्शन, स्टैटिक लीनियर इनक्वालिटी, मैट्रिक्स, बायनोमियल थ्योरम्स या फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप इन पार्ट को चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड, तो उसके लिए सिंपल है, अगर तैयारी करने का सिंपल तरीका यही होता है किसी भी एग्जाम की कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप पढ़ो, चेक करो। ये आवर टीम इज़ वर्किंग ऑन दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते हैं किसी बच्चे के उसमें आंसर की लगी होती नाम होता है तो, बट वी आर ड्राफ्टिंग एंड वी आर गोइंग टू मेक इट अवेलेबल फॉर दी पब्लिक, जहाँ पर आप पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, ठीक है। वो देखो, उसका पैटर्न पता चलेगा, फिर प्रैक्टिस करो। उसके बाद अगर हम बात करें कि कोई बुक खरीदने के लिए, बच्चे पूछते हैं जेपी टू के लिए, व्हाट आई सजेस्ट कि आप कोई बुक ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ गलतियाँ होती हैं डेफिनेटली, बच्चे मुझे भेजते हैं कि सर इसमें ये आंसर गलत लिखा गया है। हाँ, कुछ गलतियाँ होती हैं, लेकिन बुक ले सकते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि सिलेबस समहाउ सेम रहता है, पिछले कई साल से जेई का पेपर सेम है, तो वहाँ पर मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। बाकी आप आरबीजन से आपको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री टेस्ट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं और इन फ्यूचर भी कराते रहेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ मटेरियल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। स्कैन करना चाहें स्कैन कर सकते हैं, बाकी आरबीजन से आप सर्च करोगे वहाँ पर जाकर तो आपको मिल जाएगा। मॉक टेस्ट कैसे हैं, बहुत कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। बात करते हैं जीके। देखो, जीके तो मतलब ही जनरल नॉलेज है, तो इट इज़ वेरी जनरल। तो इसके लिए फिर जो अगर हमसे बात करूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पढ़ो और न्यूज़पेपर को थोड़ा ध्यान रखो, ब्लॉग्स पर देखो, मैगजीन्स में, मार्केट जाओ। अगर आपको ये एक अच्छी हैबिट हो सकती है आपके लिए, अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर को इम्प्रूव करना और जीके को इम्प्रूव करना, तो आज के टाइम मैं प्रैक्टिस करने के साथ साथ आर्किटेक्चर में आज भी 2 से लेकर 3 घंटे न्यूज़पेपर को या फिर अपनी सेल्फ डेवलपमेंट को बहुत टाइम देता हूँ। 3 घंटे मैं कहीं भी रहूँ लाइफ में, मेजर मोस्ट ऑफ टाइम मैं टाइम देता हूँ। द पॉइंट इज कि अगर मैं इस एज में जाने के बाद भी न्यूज़पेपर फोकस कर रहा हूँ तो आपको भी करना चाहिए। तो हैव अ गुड एक्सेस टू द न्यूज़पेपर। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है इंडियन एक्सप्रेस, तो आप उसको पढ़ सकते हैं, इजी लैंग्वेज में आता, अच्छा न्यूज़पेपर है, आप उसको रेगुलर पढ़ सकते हैं। डेफिनेटली इट इज़ नॉट लाइक अ 1 डे और 7 डे और 1 मंथ इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, ये आपका कंटिन्यूसली आप मेहनत करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। फिर भी अगर हम बात करें जीके के ऊपर, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइगर रिजर्व से, यूनेस्को साइट से, करंट में क्या चल रहा है, इन्वायरमेंट से पूछे जा सकते हैं, पॉल्यूशन के ऊपर पूछे जा सकते हैं, बिल्डिंग कोई न्यूज़ में है, कोई आर्टिक न्यूज़ में है, या फिर मानसून के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे आपसे जाते हैं। ये टॉपिक आप अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बात करें ड्राइंग के बारे में, तो देखो ड्राइंग में आपको समझना पड़ेगा इट इज़ नॉट एन आर्ट एग्जामिनेशन, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जामिनेशन है। यहाँ पर आपको कुछ प्रिंसिपल यूज़ करने होते हैं, रिदम, कंट्रास्ट, स्केल, प्रोपोर्शंस, रूल ऑफ थर्ड्स, ये सब आपको यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर आप कुछ लोग अलाउड तो है, आप इसके लिए रूलर लेकर जा सकते हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट कि यूज़ करो। शेडिंग यूज़ करो, डिफरेंट ग्रेड की पेंसिल जितना यूज़ करेंगे और जितना आप डिटेलिंग करेंगे, जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, द ओनली थिंग विच आई विल सजेस्ट फॉर द ड्राइंग, जितने सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप टॉपर तो नहीं बन सकते हैं, ये सच्ची बात है। और देखो, जो ये वीडियोस होती हैं हमारे जो चैनल के ऊपर आर्क जेनेसिस की, ये वीडियोस हमेशा बड़ी ही बनती हैं। नॉर्मली जो उनका जो टाइम ड्यूरेशन है ये थोड़ा बड़ा होता है। अब ऑप्शन हमारे पास होते हैं क्योंकि हम लोग चाहें तो छोटे वीडियोस बना सकते हैं और एल्गोरिथम के हिसाब से यूट्यूब की बेटर है, इसलिए व्यूज़ भी थोड़ा ज़्यादा आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट एंटरटेनिंग चैनल जहाँ पर आपको कुछ गाने सुनने के मिले, आपने एंटरटेन किया चले गए। व्हाट आई बिलीव कि आप यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं, इस चैनल को आपने फॉलो किया हुआ है, तो आपको कुछ डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर। तो इसलिए आप जो हमारे वीडियोस होती हैं थोड़ी बड़ी रहेंगी, लेकिन आपका भी इसमें रोल बन जाता है कि जो सबसे बोला जाता है, जो सजेस्ट किया जाता है, उसको प्लीज़ इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें। अगर आपसे बोला जा रहा है कि ड्राइंग जरूरी है प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सुनने में अच्छा लगता है कि 5-6 मिनट 10 मिनट की आपने वीडियो देख ली, आपको लगा कि ठीक है कर लिया, लेकिन जो भी टॉपर्स होंगे वो कभी भी ऐसे काम नहीं करते हैं कि 2-4 मिनट का पढ़ाई कर रही, वो पूरे साल मेहनत करते हैं और पूरे साल की मेहनत उनके रिजल्ट में दिखाई देती है, ठीक है। तो आप भी टॉपर बन सकते हैं, बशर्ते आप उसके लिए कितना डेडिकेटेड हैं वो आपको समझना पड़ेगा।
नाउ कम टू द नाटा। अगर हम नाटा की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जेई का सिलेबस था। नाटा 2023 का एग्जाम देने की आप सोच रहे हो, ठीक है, यहाँ पर याद रखना, बट दिस इज अ पैटर्न ऑफ 2022। पिछले 2-3 साल से सिलेबस लगभग सेम है, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि 2023 के लिए भी सेम ही रहेगा, बट देर इज नो गारंटी। मैं आपसे बता रहा हूँ, 2 साल से बिल्कुल सेम पैटर्न है, लेकिन ये नहीं है कि 2023 में बिल्कुल सेम रहेगा। हाँ, चांसेस हैं कि ये सेम रहने ही वाला है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, देखो वो सिंपल है कि 125 क्वेश्चन आते हैं, और जो कि 200 नंबर का पूरा पेपर आपका होता है। सो 3 अटैम्प्ट होते हैं। अब इसमें आपके लिए क्या होगा, जब ये फॉर्म आएंगे तो मैं डिटेल वीडियो आप बनाकर आपको पब्लिश कर दूंगा इस चैनल पर ही, लेकिन अभी के लिए मान के चलो कि 125 क्वेश्चन आते हैं। और कुछ जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं, 1 मार्कर, कुछ 2 2 मार्कर, कुछ 3 मार्कर्स, जो इन सबका सम अप करोगे तो 125 क्वेश्चन बनते हैं, और जो टोटल नंबर आते हैं 200 नंबर के, ठीक है। 3 घंटे दिए जाते हैं, लाइक 180 मिनट्स होते हैं, जिसके अंदर डायग्रामेटिक रीजनिंग पूछी जाती है, न्यूमेरिकल रीजनिंग पूछी जाती है, वर्बल रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, सिचुएशन जजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होता है, कुछ होते हैं एमसीक्यूज। एमसीक्यूज जैसे आपने पढ़े होंगे जेई के अंदर, आप ऐसे क्वेश्चन करते हो, एक क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको 3 ऑप्शन गलत होंगे, 1 ऑप्शन सही होगा, लेट्स से ऑप्शन सी इज करेक्ट, तो उसको आप टिक करके जाएंगे। फिर होता है मल्टीपल सेलेक्ट टाइप क्वेश्चन, इसमें यह होता है कि दो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, दिखाऊंगा आप इसके अंदर क्या है। प्रेफरेंशियल चॉइस के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली ऑप्शन की जो ऑप्शन दिए जाते हैं वो सभी ऑप्शन सही होते हैं, पर उनकी प्रेफरेंस मैटर करती है, ठीक है। फिर होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, में न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ऐड करनी होती है। तो जो क्वेश्चन होंगे 1 नंबर के होंगे, 2 नंबर के और 3 नंबर के, यहाँ पर इस तरह से देखने को मिलते हैं। लेट मी शो यू सम क्वेश्चन, जैसा ये है, दिस इज एमसीक्यूज बेस्ड, सिंपल एक क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक चार में से एक सही है आपको लगाना है। यहाँ पर क्या है, एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको एक सही है। एक होते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीपल सेट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर 3 इनमें से 3-4 उठाने होते हैं, तो आउट ऑफ दी 7-8 ऑप्शन आप यहाँ पर 3 ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड द मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है आपके, हम बोल सकते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर इफ ईच ऑफ इट साइड इज इंक्रीज बाय 20%, तो आप बता सकते हैं 20% बढ़ता है कितने परसेंट होगा, तो इसके अंदर आप 25 लेट से, तो 25 आपको ऐड करना होगा, लिख का आना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं, बट यू हैव टू गिव द राइट ऑप्शन। फिर ये होते हैं कि प्रेफरेंस टाइप क्वेश्चंस आते हैं, इसमें क्या होता है कि आपको इमेज एक आर्टवर्क दे दिया जाएगा, फिर यहाँ पूछा जाएगा सिमेट्री है या नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट, कंट्रास्टिंग, रिदम, बैलेंस, रिपीटेशन। तो इसके अंदर आपको जो लगता है, लेट्स सी, सिमेट्री इज नॉट देयर, ब्लैक एंड व्हाइट इज देयर, कंट्रास्टिंग में भी नहीं, रिदम नहीं है, बैलेंस बोल सकते हैं, रिपीटेशन, तो आई विल सजेस्ट 1 2 3। सो ब्लैक एंड व्हाइट फर्स्ट ऑप्शन सही, बैलेंस सही होगा, और रिपीटेशन, रिपरेशन गलत वर्ड है यहाँ पर, रिपीटेशन है ये, तो ये रिपीटेशन इज द राइट वर्ड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आते हैं आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, इसके अंदर आपको एक इमेज दी जाएगी, लाइक से कि दिस इज इमेज हैज बीन गिवन टू यू एंड इट विल बी अवेलेबल फॉर 30 सेकेंड्स ओनली, मतलब 30 सेकेंड के लिए बोला जाएगा कि इमेज को देख लो भाई, आप इसको ऑब्जर्व कर लो कितने लोग क्या कर रहे हैं। फिर इमेज चली जाती है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ मैनी बेंचेज आर देयर इन द पार्क, कितनी बेंचेज थी, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, 4 बेंचेज पर इन द इमेज, लेकिन इमेज तब नहीं रहती, इमेज चली जाती है 30 सेकंड के बाद, आपको इमेज ऑब्जर्व करनी होती है, आफ्टर 30 सेकंड द इमेज विल वैनिश एंड देर विल बी 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इमेज, इसमें आपको रिकॉलिंग देखी जाती है, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि नाटक का जो नॉर्मल सिलेबस कहाँ कहाँ से आते हैं, तो जीएस मतलब जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री वर्ड इज रॉन्ग वर्ड, एक्चुअली फिजिक्स के ज़्यादा आता है यहाँ पर, मैथमेटिक्स एंड ज्योग्राफी, फिर इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आप देखेंगे 20 क्वेश्चन, कभी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आर्टिचर वोकेबलरी, स्ट्रक्चर, शेप सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही करंट अफेयर के 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप करंट अफेयर से डायरेक्टली पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग होती है तो 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके के कुछ 9 आते हैं। सो ऐसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है, आप इसको देख सकते हैं। स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, अगेन समझने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन पर चेक करो, उससे आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आपको कितने कंफर्टेबल हो या नहीं हो। आपको फोकस करना है टर्मोलॉजीज के ऊपर नाटा के लिए, क्योंकि यहाँ पर अच्छे क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब तक आपकी वोकेबलरी टर्मोलॉजी से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर आपको ये लगता है कि आपने 4-5 वीडियो देख ली हैं, 10-12 मिनट की, 15 मिनट की, और आपको उसमें कुछ आ गया है, नहीं आएगा आपको उससे, आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर आप आई हैव नो आइडिया कि आप कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस आर्क जेने सेल पर आ रहे हैं, बिकॉज वी मेंटेन द क्वालिटी, हम लोगों ने कोई फालतू वीडियो नहीं बनाई हुई है इस पूरे चैनल के ऊपर,
तो आप कोई वीडियो भी देख रहे हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप अपनी पेपर पेंसिल लेकर बैठो, कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो टर्मोलॉजीज आपके लिए वो जरूरी है, टीओडी थ्योरी ऑफ डिजाइन हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर ये पता होना जरूरी है, कलर थ्योरी इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, आप जनरल साइंस के लिए जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल साइंस रिलेटेड, तो 10 क्वेश्चन, सो इट इज 10th क्लास की एनसीईआरटी है, जीएस की साइंस की आती है, उसको आप पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। रिडल पजल्स, तो ये डिपेंडिंग ऑन द प्रैक्टिस, कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना रिकॉल कर पाते हो। फाइंड द डिफरेंस, इसमें क्या होता है, दो इमेजेस दे दी जाएंगी, इसमें आपको डिफरेंस बताने होंगे कि दोनों में बताओ। बचपन में हम लोग करते थे, आप भी करते होंगे आई गेस, तो ये ऐसे बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल होंगी। अगर बुक नहीं भी लेना चाहते हो तो बहुत सारे ऐप्स आती हैं आज के टाइम के अंदर, लाइक फ्री में ऐप है, वो आपको बस ऐड प्रोवाइड तो करेंगी लेकिन आपको फ्री में आपको ऐप मिल जाएगी, ठीक है। तो आप चाहोगे तो मैं बता दूंगा, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, ठीक है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, टीओडी थ्योरी ऑफ डिजाइन मल्टीपल सेल क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ से हर बार 20-25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर इंग्लिश पैसेज के हैं तो यहाँ पर भी 25 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, तो इन सब पार्ट के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर यही क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों ने पूरा डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं कि कहाँ से आते हैं, ये मैंने डिफरेंट में आपको और डिटेल में जाकर सेगमेंट कर दिया है, अदरवाइज आपको इन पार्ट के ऊपर फोकस करना है, दिस इज अ थिंग। अब आपसे पूछा जाता है कि सर बुक्स क्या हैं, देखो जेई की बुक अवेलेबल है मार्केट में, बट नाटा की अगर आपसे बात करूं मुझे नहीं लगता कोई बुक अवेलेबल है, क्योंकि पैटर्न लेटेस्ट है और पॉसिबल भी नहीं है किसी भी ऑथर के लिए बनाना। जो बुक अवेलेबल है नाटा के नाम से वो आउटडेटेड है, उनका सिलेबस कंपाइल नहीं किया गया है। तो अगर आप चाहते हो तो एक नाटा सेल्फ गाइड बुक हम लोगों ने लास्ट ईयर लॉन्च की थी, अभी ये बुक अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब वीडियो आप देख रहे होगे तो विद इन 10-15 डेज इसका कंपाइलेशन काम चल रहा है, लाइक जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं, लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं उनको ऐड करने वाले हैं, तो ये जो बुक है आपको अवेलेबल हो जाएगी अगर आप चाहते हो उसके। अभी तक हम लोग अराउंड 500 कॉपी सेल कर चुके हैं और अभी तक हमें कोई भी कंप्लेंट नहीं आई है, सब बच्चों ने इसको अच्छा बोला हुआ है, जिन बच्चों को ने परचेज किया था उसको डेफिनेट उनको फायदा मिला है। अगर आप एक चाहते हैं कि मटेरियल आपके पास हो तो आप इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, आई गेस कि 7-10 डेज के बाद ये बुक अवेलेबल आपके पास हो जाएगी। कहाँ से मिलेगी, आपको क्या करना होगा, www.arcgenesis पर जाना होगा, वेबसाइट है, वहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, नीचे ही आपको जाकर वहाँ पर बुक का भी ऑप्शन मिलेगा, जब बुक अवेलेबल होगी तो यू कैन परचेज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। सो नाउ कम टू दी थर्ड सेगमेंट विच इज़ हाउ टू यूज़ दिस प्लेटफॉर्म आर्कजेनेसिस। देखो जो ये प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हम लोगों ने ट्राई किया है कि आपको एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, क्वांटिटी पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं, तो हमारे जो वीडियोज़ हैं इतनी रेगुलर नहीं आती हैं, लेकिन जो वीडियो का जो साइज़ होता है, जो कंटेंट होता है, वो आपके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहेगा जेई और नाटा के लिए, ठीक है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि मतलब लाइक आई डोंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम द यूट्यूब, एनीथिंग मतलब मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं यूट्यूब से, लेकिन वो मेरी इनकम के अंदर आई थिंक वो 1% भी नहीं है, तो मुझे ज़्यादा वीडियोस बनाने का इतना लोड नहीं होता है। और मेरा टारगेट रहता है कि अगर मैं कुछ आपका टाइम ले रहा हूँ तो आपको कुछ सीखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मेरी क्लास में आओ पेन पेंसिल लेकर बैठो, जो वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं, जो वीडियोस अवेलेबल हैं उनके नोट्स बनाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कमेंट चेक करो बच्चों के रिप्लाइज क्या आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको हर वीडियो में कमेंट मिल जाएंगे, उनको फ़ायदा हुआ बेनिफिट मिला है तभी वो लोग कमेंट करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको बेनिफिट मिले, आप जो वीडियो देखने वाले हो इन फ्यूचर जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी हैं उन वीडियो को नोट्स बनाओ कंपाइलेशन करो, आपको बेनिफिट 1 साल के बाद मिलेगा, ठीक है। हार्डवर्क ऑलवेज पेज, लेकिन आपको एकदम से नहीं मिलेगा, आपने आज बनाए रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पूरे साल मेहनत करेंगे तो आपका इसमें चांसेस हैं कि आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अगर हम बात करें कि इस चैनल को यूज़ कैसे करना है, सो देर आर टू ऑप्शन, आइदर फ्री वर्जन और द पेड वर्जन। फ्री वर्जन का मतलब क्या है कि यूट्यूब पे जो कंटेंट अवेलेबल हो चुका है और जो इन फ्यूचर होने वाला है वो फ्री रहेगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन से प्लेलिस्ट में क्या क्या सामान पड़ा हुआ है, और बाकी जो पेड कोर्स है अगर आपका मन है कि कोर्स लगाना जहाँ पर आपकी पूरी तरीके से स्ट्रक्चर में तैयारी की जा सके, जहाँ पर आपका एक मेंटरशिप मिले, आपकी प्रोग्रेस को देखता रहे, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, कहाँ पर क्या है, आपको डायरेक्टली हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिले, और जहाँ पर आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं, आप अपने मॉक टेस्ट लगा सकते हो, एक दो मॉक टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, वी आर टॉकिंग अबाउट 75 मॉक टेस्ट और मे बी 100 मॉक टेस्ट। चलो एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे प्लेलिस्ट, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये वाले प्लेलिस्ट है नाटा जेई कोर्स और 2022, ये जो प्लेलिस्ट आप मान के चलो 2023 के लिए सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम रहने वाला है। यहाँ पर आप जाकर क्लिक करेंगे तो आपको सब के सब जो वीडियोज़ हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे,
सारी वीडियोस देखनी है आपको, कोई सी वीडियो नहीं छोड़नी है, एवरी वीडियो इज ऑल रिलेटेड टू योर जेई नाटा एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप देखो सारी वीडियोस आपको देखनी है और ये फ्री में अवेलेबल है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, इट इज़ फ्रीली अवेलेबल टू यू। फिर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूछते हैं बच्चे क्वेश्चन कैसे आते हैं सर, तो यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएगी जेई की नाटा की, जो भी आते हैं मैं यहाँ पर कर देता हूँ, नाटा सेकेंड अटैम्प्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फिर हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर की, अगर आपको हिस्ट्री सीखने का मन है तो यहाँ पर चले जाओ, टीओडी बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं, लास्ट में मैंने इनिशिएटिव लिया था ये, लेकिन वीडियो नहीं बना पाए बिकॉज द रेस्पॉन्स वॉज नॉट सो गुड और काफ़ी मेहनत लगती थी, लेकिन 5 वीडियोज़ हैं, अगर आपने देख ली हैं तो आपको थ्योरी डिज़ाइन का जो नज़र ही चेंज हो जाएगा। तो अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कौन सी वीडियो सबसे पहले देखनी है, टीओडी की पहले देख लो, अगर आप नाटक तैयारी कर रहे हो ये वाला पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन पर भी आपको जरूरी है, तो ये 1, 2, 3 प्लेलिस्ट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बाकी आप करंट अफेयर को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि करंट अफेयर पुराना हो चुका है, इसको मैं नहीं बोलूंगा नहीं करूंगा सजेस्ट, देखने के लिए बंद कर सकते हैं। मैथमेटिक एप्टीट्यूड बच्चों को थोड़ा डर लगता है मैथमेटिक्स से, कुछ यहाँ करोगे इजी लगेगा आपको करने के लिए। इंग्लिश कॉम्प्रेशन इग्नोर कर सकते हैं फिलहाल के लिए, जीके इंप्रूव करना चाहते हो जीके वीडियोज भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, इन फ्यूचर भी ऐड होते चले जाएंगे। और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये नाटा 2021 प्रिपरेशन है, यहाँ पर भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया हुआ है, मॉक टेस्ट यहाँ पर भी डिस्कस कर रखा है, और ये छोटे कोर्सेज बनाए थे हम लोगों ने तो इनको आप देख सकते हैं। और ड्राइंग के ऊपर डेफिनेटली जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर 15 वीडियोज़ हैं, 15 वीडियोज़ के लिए फ्री कोर्स है, पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है ड्राइंग का, इनको प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद आप इनको बनाने की कोशिश करोगे तो आपके डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करोगे तो यू विल गेट लाइक द फुल प्लेलिस्ट, यहाँ पर ऐसा वैसा नहीं है कि एक वीडियो बनाकर डाल दिए, तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्लास 1, क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-13 क्लासेस हैं, इनको देख लो आपके नंबर डेफिनेटली इंप्रूव होंगे। ठीक है, तो दिस इज़ अ थिंग कि आपका जो फ्री वर्जन था आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर आपको यूट्यूब के साथ साथ आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी पीडीएफ मिल जाएंगी, वहाँ पर भी जो क्लासेस होंगी वहाँ पर भी डायरेक्टली अपलोड कर दी जाती हैं, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। बाकी अगर आपका मन है कोर्स लगाने का तो यहाँ पर वी आर प्रिपरेशन 2023 के लिए कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं, ये पूरी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा। यहाँ पर लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर एग्जाम होंगे, ऑफ कोर्स इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इंपॉर्टेंट 3D विजुअलाइजेशन के थ्रू होगा, करंट अफेयर न्यूज़ चैनल्स वगैरह के थ्रू जो भी अपडेट हुआ है वो आपको बताया जाएगा, ड्राइंग की क्लासेज होंगी, प्रीवियस ईयर पर डिस्कस किया जाएगा, जनरल अवेयरनेस की क्लासेज होंगी, ऑनलाइन कोर्स है तो आप कहीं पर बैठे हैं ऑल ओवर द इंडिया आप इसको देख सकते हैं। जो पूरे कोर्स के अंदर 3 चीज मिलती हैं, जिसके अंदर आपको 8 to 10 कलर प्रिंटआउट बुकलेट्स जो घर पर डिलीवर की जाएंगी, मॉक टेस्ट होंगे अराउंड 75 और लाइव कम वीडियो रिकॉर्डिंग क्लासेस होंगी। ठीक है, इस सब के साथ पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा, जो ये लास्ट ईयर का हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पर है, टोटल 180 समथिंग क्लासेस हुई थी, आपने यूट्यूब पर कंटेंट देखा होगा, मोर देन 350 वीडियोज आर देयर, क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल ऑन द यूट्यूब इंस्टाग्राम पर, ये पूरा सिलेबस है जो पूरे साल हम लोग पढ़ने वाले हैं, द होल सिलेबस ये पूरा पूरा कवर किया जाएगा। फिर ये दो प्लान हैं फाउंडेशन और एडवांस, ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वो बताने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इसकी पूरी वीडियो तो वैसे आप आई बटन पर जाकर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ रहा होगा आई बटन पर ऊपर की तरफ, तो पूरी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर किस तरह से आपको स्टेप्स लेने हैं, आप उस नंबर फ़ोन करें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पूरी गाइड मिलेगी, यहाँ पर टीम आपको रिप्लाई करेगी, मेल कर सकते हैं, उसके बाद आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वेरी बेस्ट ऑफ लक, और अगर आप पहली बार आप आए हैं इस चैनल के लिए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कंटेंट अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर, आपकी जेई और नाटक प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। सो बाकी आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इसमें फ़ोन नंबर और मेल आईडी है वेबसाइट के थ्रू भी, और यहाँ पर क्यूआर कोड है, स्कैन करके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड वेलकम अगेन।